हाय गाइस, अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और मैं थोड़ा आज लेट उठा और सुबह सुबह कुछ कांड भी हो गया है क्योंकि मैं उस समय सोया हुआ था। तो मुझे पता नहीं, एक ट्रक वाले ने एक स्कूल की बस ही ठोक डाली। तो गनीमत तो ये रही कि बच्चे बच गए, बच्चों को कुछ नहीं हुआ, बट ट्रक का जो है वो बहुत बुरा हाल हो गया। और मेन बात तो है कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ यार, अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो फिर वांदे लग जाते ड्राइवर के। तो अभी फ़िलहाल आपको मेरी लोकेशन थोड़ी चेंज लग रही होगी, मैं कहाँ हूँ। बाय द वे मैं बता दूँ कि अभी मैं फ़िलहाल हल्द्वानी में हूँ। हल्द्वानी में इसलिए हूँ क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों के बाद मुंबई को निकलने वाला हूँ। ये वाली वो ट्रक है जिसने बस को ठोक दिया था, स्कूल की बस ठोक दी थी सुबह छः बजे के आसपास, छः साढ़े छः के आसपास। फिलहाल मैं जा रहा हूँ मार्केट को क्या है, दुकान में जा रहा हूँ। थोड़ा मुझे छाँस वगैरह लेनी है और दिन में मैं आज भी खाना नहीं खा रहा हूँ क्योंकि देख रहा हूँ मोटा हो रहा हूँ मोटा। सो थोड़ा सा मेरे पर्स खाल था, नया पाउच सिचुएशन ऐसी है कंडीशन। और जब बारिश आती तो ये एरिया पूरा भर जाता है, मतलब ये यहाँ यहाँ तक पानी आ जाता है और उसको बोलते हैं हल्द्वानी में रौला। तो गाइस पानी वाली चिड़िया जिसने सुबह आज स्कूल बस को ठोक रखा है, चलो देखते हैं एक बार इसके आगे का हाल कैसा है। इसका हाल कुछ ऐसा है, कितना ब्रूटली ठोक रखा है। ये है इसने, लग रहा है कि बोल रहे हैं कि अंकल लोग गोली खाई थी, नशे की गोलियाँ होती है वो खाते हैं, उसके बिना यहाँ गाड़ियाँ चलाते नहीं है। पहाड़ों में जो ट्रैवल करते हैं वो लोग माल फूक के चलाते हैं गाड़ी और ये लोग गोली खा के, तो पूरी कंडीशन खराब है। मैं कुछ खीरा ही ले रहा हूँ रायता बनाने के लिए, जो मैंने आपको बताया था पिछले वाले ब्लॉग पे, जो मेरे फेवरेट है। इसमें से हरे हरे वाले छाटूंगा और उसके बाद ही जो है आंटी छाटेगी, क्योंकि मेरे को तो उतना आइडिया नहीं है कि इसमें से कौन सा ख़राब है कौन सा सही है। सो उसके बाद ही मैं वाली जो अच्छे होंगे, आंटी हरे वाले लेते हैं ना, क्या रायते के लिए मेनली हरे वाले लेते हैं। सो फिलहाल यही है, अभी सारा सामान ले लिया है और अभी मैं निकल रहा हूँ घर को। और बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो चलो अब सीधा रूम पे ही मिलते हैं। जो रूम पे और मैं अभी छांस भी लेके आया हूँ अपने लिए, छांस क्योंकि मैं छांस डेली लेता हूँ, मेरा फेवरेट है यार छांस। आर सो टायर्ड। तो फिलहाल तो आपको पता है कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, दो लोगों के बीच बहुत गंदा वाला वॉर छिड़ा हुआ है, 2 करोड़ का केस ठोक दे रहे हैं लोग एक दूसरे के ऊपर। बट ठीक है यार, अगर आप सोशल मीडिया में हो तो आप काफ़ी लोग ये हैं कि आप हर किसी के एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और लोग आपको जज भी करेंगे। ऑब्वियसली बात है, आपको पॉजिटिव साइड भी देखने के लिए मिलेगा ऑडियंस का और नेगेटिव साइड भी देखने के लिए मिलेगा, तो दोनों ही चीज़ को कैरी ऑन करके चलना चाहिए। और ये नहीं है कि किसी के ऊपर भी 2 करोड़ का केस ठोक दो, 3 करोड़ का केस ठोक दो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और आपको सोशल साइट्स पे हर तरीके की ऑडियंस मिलेगी, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, जो आपके लिए अच्छा भी बोलेगी बुरा भी बोलेगी। तो सारी चीज़ें आप लोगों को लेके चलनी पड़ेगी, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हर कोई, ज़रूरी नहीं है कि आपके बारे में हर कोई अच्छा ही बोले, बहुत सारे लोग हैं जो बुरा भी बोलेंगे, बहुत ज़्यादातर लोग बुरा बोलने वाले मिलेंगे। मैंने एक जर्नी तय करी और मेरे को इस रास्ते में चल रहा है, तो उस रास्ते में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे बुरे लोग भी मिलेंगे। तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि केस ठोक देना या वो कर देना एक सही बात होगी। तो मेरे को लगता है कि वो वाला बंदा सही है और वो तो उसका दोस्त भी था, तो 2 करोड़ यार बहुत बड़ी रकम होती है, कमाने में फट जाती है भाई, लोग लाखों कमाने में फट जाती है, 2 करोड़ तो फिर भी बहुत बड़ी बात होती है। तो फिलहाल मेरे बगल में देखो छोटा सा टैडी, ये लवली सा मेरी बहन का है, उसको बहुत सारे उसको टैडी बियर्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो अभी तो वो स्कूल गई हुई है, तो फिलहाल अभी मैं फ्रेश हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ, और अभी मैंने नहाया नहीं है, मैं ज़्यादातर 12-1 बजे के आसपास ही नहाता हूँ क्योंकि यार गर्मी इतनी है और स्वेट हो जाता है, तो 12-1 बजे नहा के फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नहा के। सो गाइस अभी जस्ट मैं सोकर उठा और तैयार हो चुका हूँ, मार्केट को जा रहा हूँ और आज मैं ज़िंदगी में पहली बार शर्ट पहन रहा हूँ, मैंने आज तक कभी शर्ट नहीं पहनी। और मेरे आउटफिट में जितने भी सारी चीज़ें वो सारी की सारी टी शर्ट है और उसमें एक कलर आप लोग को कॉमन मिलेगा और वो है ब्लैक। और क्या लेके आना है, समोसे। हाँ, सो मैं समोसे जा रहा हूँ मार्केट पर लेने के लिए। सो ये बाहर का मौसम कुछ इस तरीके से, यहाँ साइड को है धूप और यहाँ साइड को है बारिश होने वाली है शायद, और आज रौला आएगा क्या, ये दोनों कैदियों को जेल के अंदर। ये अपनी धन्नो, मतलब मेरी नहीं मौसा जी की धन्नो। सो और हम लोग जा रहे हैं अभी कौन सी जगह है मौसी, छड़ैल नहीं है,
हल्दू पोखरा नहीं ये? नहीं नहीं जहाँ नहीं उस साइड वाले उस इस इसके पीछे इस वाली लाइन के पीछे वाली इस साइड जहाँ उन्हीं का स्कूल है। छड़ैली तो है, छड़ैली है देवल चौड़। हाँ सो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे देवल चौड़ की ओर। सो गाइस अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ। अभी जो कैमरा पर्सन है वो है हमारी बड़ी बहन, उसको रख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ भी हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना पुलिस वाले तुम्हारे पिछवाड़ा से चलान निकाल देंगे। नहीं नहीं मैं सिर्फ छड़ेल तक जाऊँगा, गाड़ी मोड़ लेता हूँ। मोड़ने की भी अपनी अपनी स्टाइल है सबकी। ये देखो ऐसे मोड़ते हैं बाइक, तो इसको स्टार्ट करने में मेहनत मौसी। तब तक आप चलो एक काम करो, वहाँ गेट खोल लो कुछ तो काम करो। तो अभी मौसी वहाँ गेट खोलने जा रही है, देखो काम करने वाली, सबको सैलरी मिलती है ऐसे ही। सब सैलरी से आया अरे हेलमेट तो लिया ही नहीं हमने गाइस, ये क्या है, हेलमेट दीजिए हमें हमारा। जी सर अभी फिलहाल यहाँ पर से नहीं पहनूंगा, आगे से पहनूंगा क्योंकि वहाँ है चांसेस पुलिस वाले होने के, क्योंकि एक गांव वाला एरिया तो यहाँ उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ दो एक भी पुलिस वाले नहीं है, एक तो पुलिस वाले और उसके ऊपर से CPO अलग, CPO मतलब कंप्यूटर वाला CPO नहीं, वो अलग वाली है, वो अलग से गली नुक्कड़ों के लिए बने हुए हैं। सो फिलहाल अभी मैंने अपने बाइक के ऊपर अपने फ़ोन को माउंट कर लिया है और मैं बाइक को स्टार्ट करने की कब से कोशिश कर रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रही, तेल तो है शायद। न्यूट्रल करना पड़ेगा, सस्ते ब्लॉगर। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गई भाई। कल परसों के टाइम पे मैं यहीं से नीचे गिरा हूँ, पूरा ढलान है एक तो नीचे से स्टार्ट कर। हाँ स्टार्ट तो हो जाएगी। चुका हूँ प्रकाश स्वीट्स दुकान, तो इनका एक काउंटर नया है, तो मैंने अभी समोसे के लिए ऑर्डर कर दिया और जलेबी के लिए, तो टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। क्या है, चार समोसे ठीक है और एक समोसा मुझे खाने के लिए दे दो, इसको रख देते हैं ये घर के लिए। अभी फिलहाल मैं सिर्फ आया था यहाँ समोसे खाने के लिए, और अभी आने वक्त मेरा पंगा भी हो गया गाड़ी वाले से, क्योंकि जिस लेन में मैं चल रहा था वही लेन में वो भी चल रहा था। तो फिलहाल टेस्ट करके बता देंगे कैसे, ये नई शॉप है क्या, नई शॉप है इनकी ओपनिंग अभी अभी हुई है, तो एक बार टेस्ट कर देगा कैसे है। तो हाँ मैं ये बता रहा था कि जिस लेन से मैं आ रहा था और सेम वही लेन से वो भी आ रहा था, तो थोड़ी घास भी होगी, सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हर चीज़ को रिकॉर्ड करना मुझे नहीं लगता कि सही बात है, तो मैंने वहाँ के अंदर पॉज कर दिया। तो फिलहाल अभी चेयर्स टू द समोसा, समोसा इंजॉय करते हैं और फिर टेस्ट करके बताता हूँ कैसा। फिलहाल ये रहा, ये किसी और के खाने से पहले रखते हैं ना ये वाला समोसा, खाने से पहले रखते हैं तो वही है। तो ये आंटी थोड़ा मुझे ज्ञान दे रही थी, उनको लगा मेरा समोसा है फिलहाल, ये वाला मेरा समोसा है। समोसा तो मैं फिलहाल खा रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी है क्योंकि मेरे को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, मैं मीडियम स्पाइसी खाता हूँ, मुझे ज़्यादा उतना स्पाइसी पसंद नहीं है। पानी ला गया, आई एम डन विद माय इवनिंग मील। कितना 8 rupees per samosa था इनका, और वाकई में
अच्छा था, बट मेरे लिए बहुत तीखा था। तीखा इन द सेंस क्योंकि मैं कम तीखा खाता हूँ, मैं उतना तीखा नहीं खाता हूँ, तो मैं मीडियम खाता हूँ। और वेल एंड गुड था, अच्छा था, और हाइजीन भी अच्छी थी। सो फिलहाल मैं अभी पहुँच चुका हूँ देवल चौक, मेरी मौसी से, मैं इसी रास्ते की बात कर रहा था। ये वाला जो रास्ता है मेरे फ्रेंड का घर इसी रास्ते से, द वन ऑन ऑनली दीपक खाती शश, अगर वो वीडियो ये देख रहा था, देख भाई तेरे घर का रास्ता, चले जाओ क्या? अभी जूस पी रहा हूँ, को हॉर्न बज रहे, बट ये जो है ये इसके मेरे हॉर्न के ऊपर चिपक गया था, लग गया था, तो मेरा ही हॉर्न बज रहा था, तो मुझे पता भी नहीं चला। तो मैंने अभी समोसे तो खा लिए थे, बट मेरा जूस पीने का मन कर रहा था, और नाम भी इसका वही है मुंबई जूस, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, और मैं जब भी हल्द्वानी आता हूँ तो मैं यही जूस पीता हूँ। फिलहाल अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो सो सॉरी यार, क्योंकि मैं अभी रोड में हूँ और अभी मैंने अपना माइक नहीं बिल्ड किया है इसमें, मैं जल्दी ही माइक भी लगाऊंगा, तो फिलहाल जूस पी लिया जाता हूँ। मैंने अभी जूस का ऑर्डर दे दिया और मैंने इनको मिक्स जूस के लिए बोला, काफ़ी नीट एंड क्लीन शॉप है, और ये लोग प्रोटीन भी बेचते हैं, प्रोटीन शेक वगैरह भी बेचते हैं। सो फिलहाल मेरा जूस बन चुका है, मैं ले लेता हूँ। ये रहा मेरा मिक्स फ्रूट जूस, और भाई बहुत अच्छा है, भाई भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करने वाला है, तो फिलहाल हम डन विद द जूस, और भाई को भी मैंने अपने चैनल का लिंक भेज दिया। कल अपने घर को निकल रहा हूँ, और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो अब डायरेक्ट आपको रूम पर ही मिलते हैं। चल रहा है इंडियन आइडल, तो मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है, मौसी देख रही है इंडियन आइडल, क्योंकि कॉपीराइट्स आ जाएंगे। नया चैनल तो क्या हुआ, और बाय द वे कपिल शर्मा भी आने वाला है, आई एम सो एक्साइटेड, मेरे को अच्छा लगता है कपिल शर्मा शो। तक गुत्थी थी, मैं कपिल शर्मा शो बहुत ज़्यादा देखता था, मैं स्ट्रीम करके भी देखता था यूट्यूब पे, बट अभी तो गुत्थी भी नहीं, और शायद इसकी कास्ट भी चेंज हुई है, तो देखते हैं इस वाला सीज़न कैसा रहता है। तो फिलहाल मैं अभी पहुंच चुका हूं रूम पे, और मौसी और इन लोगों के लिए मैं समोसे लेके आया, तीन समोसे में इन लोगों ने ऑर्डर दिए थे, बट मैं चार लेके आया, एक एक्स्ट्रा लेके आया हूँ। और ये रहा, मैं होम टूर तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरा मेरा घर नहीं है, मेरी मौसी का घर है, तो उनको ऑब्जेक्शन होगा। मेरी एक छोटी बहन, ये थोड़ा डरती है कैमरे मैन से, ये कैमरे मैन से डरती है, और BTS लवर है। क्या हुआ? ओहो, तूने रिवील कर दिया है गाइस, ये मेरी बहन की शर्ट है, देखो वो कितनी सी पतली है, कितनी पतली सी देखो, और ये वाली टी शर्ट शर्ट पहन रही है यार, ये इतनी फैली शर्ट, ये मेरे लिए भी इतनी लूज हो रही है। चलो खाओ, और उसके मैं रिव्यूज देता हूँ फिलहाल, इन लोगों के कैसे इन लोग को पसंद आते हैं, यहाँ पे मेरे को तो बहुत अच्छे लगे, बट थोड़े से तीखे थे, मैं तुम्हारे हिसाब से तुम लोग को अच्छे लगेंगे, तुम लोग तीखा तो खाते हो, मैं उतना तीखा खाता नहीं हूँ। तो ये रहा समोसा, एक अम निकले और इसके अंदर तीन है, अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा, बट थोड़ा सा स्पाइसी है। स्पाइसी खाती है तू? ये स्पाइसी नहीं खाती है, मौसी स्पाइसी खाती है, मेरी दीदी स्पाइसी खाती है। और ये रही चटनी, इनकी मीठी वाली चटनी है, दो चटनी दी इन लोगों ने, एक मीठी थी एक तीखी थी, तो चलो इनका रिव्यू चेक करते हैं। हाँ, मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, ये सिर्फ ये वाली लेयर अच्छी लगती है, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, अंदर का मटेरियल तो मुझे उतना खास नहीं लगता है। इसके अंदर पनीर भी है शायद, हाँ पनीर स्टफ्ड है, नई शॉप खुली थी वहीं से लेके आया। तो जल्दी खाओ और मुझे रिव्यूज दो गाइज, डिड यू लाइक इट और नॉट? क्या देखो सब शर्मे, क्या उन्हीं का यहाँ तो चेहरा दिखा, चेहरा दिखाना, इतना शर्माने का नहीं रे बाबा। चटनी भी खा ले बोल रही मौसी, चटनी खा। हाँ BTS लवर है गाइस, ये इसको BTS वालों से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, BTS ही सुनती रहती है, नहीं आजकल नहीं सुनती BTS? कहाँ से आ गया, आप क्या कर रहे हो मम्मी? खा के टेस्ट करके बताओ कैसा है मौसी? अच्छा है। सो मौसी को बहुत अच्छा लगा, और इसके अंदर स्टफिंग में पनीर के छोटे छोटे पीसेस भी है, अभी दिख नहीं रहे हैं और कैमरे में नहीं दिख रहे हैं, बट मैंने खाए थे। तुझे कैसा लगा बता, शर्मा मत जल्दी बता। नहीं पनीर था मेरे उसमें, पनीर निकला आपके उसमें पता नहीं, मेरे उसमें शायद मेरा कैमरा देख के उन लोगों ने मुझे पनीर दे दिया, तो इन लोगों के उसमें पनीर नहीं निकला, मेरे उसमें पनीर निकला था, एक पीस निकला सिर्फ, क्या पता उन लोगों ने मेरा कैमरा देख के लग रहा कि ब्लॉगर है, चलो पनीर वाला दे देते हैं। हाँ नहीं, मेरे सामने उन लोगों ने फ्रेश बनाया यार, पूरे फ्रेश हैं। तुझे कैसा लगा उन्हें? इसको भी अच्छा लगा, दीदी तुझे कैसा लगा मौसी आपको? सो बाय द वे अगर वो दुकान के मालिक देख रहे हैं आपका समोसा, सबको अच्छा लगा यहाँ मेरे घर पे, और हाँ मैंने उन लोगों को भी बोला था कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, तो शायद वो भी ये वीडियो देखे, तो मैं गंदा रिव्यूज तो दे नहीं सकता था, बट जेन्युइनली समोसा बहुत अच्छा था,
तो चलो अब सीधा डिनर की तैयारी करेंगे। तो मैं शायद टमाटर की चटनी बना सकता हूँ अपने लिए, और उसके साथ ही मैं एक दो रोटी खाऊंगा, ज़्यादा मेरे को भूख भी नहीं, क्योंकि मैं जूस भी पी चुका था अभी एक गिलास। प्याज है तो मैं उसको प्याज के भी कटिंग करूँगा, और उसके बाद उस प्याज को कट करके और उसको अभी मैंने इसमें टमाटर चढ़ा रखा है, इसको काट के दोनों को मिक्स कर दूंगा। तो अभी इसकी स्किन पील आउट कर देते हैं। ये जो इसकी स्किन है ये ऐसे खुद ब खुद निकल जाएगी, टमाटर की स्किन, और इसको फेंक देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं। क्या मतलब ही जा रही है। अभी जीरा भून रहे हैं, ये दीदी यहाँ जीरा भून रही है। मैंने यहाँ टमाटर को मैश करके रख दिया, ये रहा टमाटर, और इसमें अभी ये प्याज डलेगा, नींबू डलेगा, और ये नमक, बस हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें डलेंगी, उसके बाद मैं इसको प्रिपेयर करके दिखाता हूँ। ऐसा कुछ हो गया तो अभी उसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगा, ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगा। इन्वर्टर से लाइट चल रही है गाइस, लाइट नहीं है यहाँ। अब थोड़ी देर बाद इसको खाएंगे। सो फाइनली आई एम डन विद द डिनर, और अब कुछ नहीं, सोने का टाइम आ गया है। गुड नाइट गाइस। सो ये मेरा वाला रूम है, मैं जब भी आता हूँ यहीं रहता हूँ। अब उनका बेड, अब उनकी तकिया। अभी तक मैं नीचे फ़ोन चार्ज कर रहा था, ब्लॉग एडिट कर रहा था। सो गाइस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो आई होप यू गाइस गोना लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू मेक श्योर यू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और हाँ बी सेक्सी।